तथा कथित मुख्यधारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासियों के साथ बेईमानी की। उन्होंने इनका इतिहास ही दर्ज नहीं किया और न ही देश के विकास में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित किया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो या महाजनों के जुर्म के खिलाफ संघर्ष, या फांसी पर लटकने की हिम्मत हो, या अंतिम आदमी के रूप में लड़ते हुए मर जाने का साहस, इनमें अगुवाई के बावजूद इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को जगह नहीं दी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के अनेक भाषाएं गायब हो चुकी हैं या गायब होने के कगार पर है। आदिवासी के देवी देवताओं को दूसरे लोग हथिया रहे हैं या उन्हें अपना देवता थमा रहे हैं। आज हमारे जीवन को आस्था का केंद्र से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तो हमारे नाम तक छीनने में लगे हुए हैं। हम आदिवासी मूल निवासी हैं, पर विचित्र बात है, जिस समाज को कोई जाति नहीं, उन्हें जनजातीय कह रहा है या कोई वनवासी कहकर एक ढंग से चिढ़ा रहा है। आज जब आदिवासी अपनी पहचान के लिए सशस्त्रों में की गई अवमानना एवं इतिहास में की गई अपेक्षा के विरुद्ध बोलने का प्रयास कर रहा है, तो उसे चुप करने का प्रयास हो रहा है। भले ही आदिवासियों में उनकी क्रांतिवीर विद्वान चिंतक हुए हैं, लेकिन समाज के मुख्य धारा के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है कि हमारी कोई औकात नहीं बन सके एवं हम नीति निर्धारण में हमारी कोई भूमिका न रह सके। जब हम आदिवासी संस्कृति समाज के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, तो 1800 ईस्वी के पूर्व का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। जब हमारे बारे में लिखना प्रारंभ भी हुआ, तो हम केवल क्रांति के श्रृंखला के नेतृत्वकर्ता मान लिया गया। हमें टुकड़ों में बांट कर देखने का प्रयास हुआ, जबकि इतिहास के हर दौर में आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराते रहा है। हमारे पूर्वजों ने गणतंत्र की स्थापना की, राज निर्माण किया, लोक कल्याणकारी शासक वंशों का स्थापना की। इन परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में सभ्यता संस्कृति को गढ़ने में आदिवासी समाज की योगदान की पुनः व्याख्या की जाए। हमें आदिवासी समाज को आदिवासी विचारक, लेखक, विद्वान की नजरों से देखने की जरूरत है। यह सच है कि आज भी देश का सबसे गरीब, अशिक्षित, प्रताड़ित, विस्थापित एवं शोषित वर्ग आदिवासी वर्ग है, परंतु यह भी सच है कि एक महान सभ्यता के वारिस हैं। हमारे पास विश्व मानव समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है कि नीति निर्माताओं के पास दृष्टि हो। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के कारण हमें आदिवासी माना गया, उसी विविधता को आज की नीति निर्माता मानने के लिए तैयार नहीं? हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी कौम एक स्वाभिमानी कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा पुंजा की कौम है। हम इस देश के मूल वासी हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाया, जानवर बचाया और पहाड़ बचाया। इस महान संस्कृति को आदर्श की दृष्टि से देखने की जरूरत है। हमें सिर्फ जंगल में रहने वाले गरीब के रूप में नहीं देखना चाहिए। जंगल एवं मानव विकास की पूरी कहानी हमारे पूर्वजों के पास है। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदना जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना पैदा करने की। हमारी चाहत है कि विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच में परस्पर संवाद शुरू हो। आज जो हम विभाजित हैं, असंगठित हैं, यही कारण है
कि मणिपुर के आदिवासी उत्पीड़न का विषय झारखंड के मुंडा लोगों के विषय नहीं बन पा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।